नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकल कोल्ड विंड्स। ब्लिजर्ड, यह पवन साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। नॉर्दर एक ध्रुवीय पवन है जो अवरोध के अभाव के कारण दक्षिण में अमेरिका के टेक्सास एवं खाड़ी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। नॉर्टे है मैक्सिको के नॉर्थ ईस्ट भाग में प्रवाहित होती है। अपागयो मैक्सिको में प्रवाहित होती है। नेवाडोड, यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज के हिम क्षेत्र से इक्वाडोर की उच्च घाटियों में प्रवाहित होने वाली पवन है। यह एक पर्वत समीर है। आइजैम ब्राजील में प्रवाहित होती है। पैम्पेरो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में चलने वाली ध्रुवीय पवन है। तुराजो अर्जेंटीना पेंटागोनिया के पठार में बहने वाली पवन है। बोरा मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया के एंड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली एक ठंडी हवा है। यह वायु उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। मिस्ट्रल, यह फ्रांस में आल पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रभावित होने वाली हवा है। बाइज शीत ऋतु में दक्षिण फ्रांस में चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवा है। एटेशियन हवाएं ग्रीस के बड़े हिस्से, एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं। ट्रामोंटाना एक ठंडी हवा है और इटली के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर और उत्तरी कोर्सिका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली हवा है। इसका लोकल नेम परिग्लियानो है। बुरान रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रभावित होने वाली उत्तर पूर्वी स्थानीय पवन को बुरान कहा जाता है। शीतकाल में हिम के कणों से युक्त बुरान को पुर्गा कहा जाता है। समस्त टुंड्रा में बहने वाली हवा है। अलास्का में उत्तर पूर्वी हवा को बुर्गा के नाम से जाना जाता है। जुरन स्विट्जरलैंड में प्रभावित होने वाली हवा है। लेवेंटर फ्रांस एवं स्पेन जिब्राल्टर की संधि के पास प्रभावित होने वाली हवा है। इसे सोलानो के नाम से भी जाना जाता है। सदरन बस्टर ध्रुवीय क्षेत्रों से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाली अत्यंत शुष्क एवं शीतल वायु है। टैप डॉक्टर तीव्र शीतल हवा जो दक्षिण अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों से चलकर दक्षिणी तट की ओर बहती है। इस हवा को टेबल क्लॉथ कहा जाता है क्योंकि यह पवन पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का निर्माण करती है। ब्रेगेल भूमध्य सागर एवं माल्टा क्षेत्र में प्रभावित होने वाली हवा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।